नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक है और बाहर से मेहमान आने शुरू हो गए हैं और एक एक कर बात करेंगे। बीजेपी सांसद हैं सर, क्या कहेंगे, बिहार आकर कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए बिहार बहुत अच्छा है और संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसके अंदर आने का आज हमें भी गौरव प्राप्त हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 8 वर्षों के अंदर देश को बदलने, अति पिछड़े, महिला, पुरुष, युवा, किसान, मजदूर, श्रमिक, हर वर्ग के लिए इन 8 वर्षों के अंदर जबरदस्त उनके जीवन के अंदर बदलाव लाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना के वैश्विक संकट के अंदर देश में भारत निर्मित वैक्सीन बनाने का ये पहली बार काम किया है। 200 करोड़ से ज़्यादा डोज देश के अंदर लोगों को लग चुकी है, फ्री में लग चुकी है। देश के 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने की है। बहुत अच्छा बिहार के अंदर लगा है। क्या लगता है कि हरियाणा के बाद हरियाणा में भी जो बैठक हुई थी उसमें भी इस तरह की तैयारी नहीं थी जितना कि बिहार में कुछ किया जा रहा है? देखिए ये कार्यकर्ताओं के ऊपर है और कार्यकर्ता अपने से अच्छा करता है। मैं बिहार के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, इतना अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने किया। यही मौका मिला कि आप लोगों को भी बिहार आने का मौका मिला है? नहीं, लगातार बिहार आने का अवसर मिलता रहता है और आज कार्यकारिणी के अंदर आए हैं। क्या कुछ बातें होंगी, क्या कुछ आपने भी कुछ सोचा है कि आप कुछ वैसी बातें? ये हमारा शीर्ष नहीं, ये सीक्रेट बातें नहीं रहती, हमारा शीर्ष नेतृत्व बात बताता है और वही बात करता है। अच्छा, क्या लगता है कि जो विपक्ष है हर जगह जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बीजेपी इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है तो चुनाव का तैयारी कर रहा है, इस बात में सच्चाई है क्या? नहीं, शक्ति प्रदर्शन का तो मतलब नहीं है, तो पार्टी की हमारी रूटीन की बैठकें होती हैं, इसमें शक्ति प्रदर्शन का कोई विषय नहीं। और पार्टी चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी तो गंभीरता से चुनाव लड़ती है। विपक्ष को एहसास होता है कि वो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, हर राजनीतिक दल अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज देश को नई ऊंचाइयों के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। आज गरीब के जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो लाइन में अंतिम व्यक्ति है, उस तक योजना का लाभ पहुँचा है। आज उसके मन में नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक श्रद्धा का भाव है और उस श्रद्धा के भाव से वो नरेंद्र मोदी जी से प्यार करता है। नरेंद्र मोदी जी को वो देश के प्रधानमंत्री पद के ऊपर देखना चाहता है, क्योंकि आज तक आज़ादी के बाद वो सुविधाएं नहीं उन तक पहुंची थी जो सुविधाएं आज नरेंद्र मोदी जी के समय में पहुंची हैं। लोग नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं और लोगों को लगता है कि शक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किए हैं उसको देखने के बाद बहुत अच्छे काम किए हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं नीतीश कुमार जी और गठबंधन की सरकार मिलकर के जबरदस्त बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। निश्चित तौर पे तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी सांसद, जिनका साफ तौर से कहना है कि बिहार आकर बेहद खुशी हो रही है और हमें यह मौका जो है मिला है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें हम भाग ले रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योजनाओं का भी सराहना किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किए हैं वो लाजवाब है, उसका कोई जोर नहीं है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।